आदाब नमस्कार। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पे लोहिया इंटर कॉलेज की तरफ से मैं सभी आए हुए मेहमानों का, प्यारे बच्चों और स्कूल के टीचर, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज जो ये गणतंत्र दिवस का मौका है, ये आप लोगों को पता होगा क्यों मनाया जाता है। आज के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। हमारा संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 जनवरी का मौका क्यों खास है, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था और वो तारीख 26 जनवरी की थी। इसलिए ये गणतंत्र दिवस का मौका खास होता है, जिसे हम एक त्योहार की तरह मनाते हैं। मेरा बचपन से जो पसंदीदा, अगर देखा जाए तो ये त्योहार की तरह ही है, चाहे वो 15 अगस्त हो गणतंत्र दिवस और चाहे ये 26 जनवरी हो। आज इस लोहिया इंटर कॉलेज में स्टेज के माध्यम से मुझे पहली बार मौका मिला है यहाँ बोलने का। कुछ एक जरूरी बात भी आप लोगों से करनी थी। मैं इस लोहिया इंटर कॉलेज का सीनियर बैच का लड़का हूँ। सबसे पहले मेरा एडमिशन रेडियंस इंटर कॉलेज में हुआ, फिर दोबारा में जीनियस स्कूल में हुआ, और जब लोहिया इंटर कॉलेज नया खुला तो सबसे पहले बैच का स्टूडेंट मैं हूँ। और जब मैंने पहली बार मंच से आगाज किया तो सबसे पहले मुझे लोहिया इंटर कॉलेज के मंच से मुझे मौका मिला था। मैं मंच पे बोलने से बहुत घबराता था। हमारे एक अजीत मास्टर हैं, मास्टर अंसार साहब, उन्होंने हमको ये स्टेज पे तैयार किया उन्होंने। और मेरा जो पहला गीत था तो वो पहला गीत मैंने गाया था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मैं अपनी बात आगे करते हुए आपसे बताना चाहता हूँ, आज जो मैं यहाँ आया हूँ, हाई स्कूल के बच्चे और जो अन्य क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप मेहनत से पढ़िए और अपने गांव कस्बे का, अपने इलाके का नाम रोशन करिए। अभी कुछ महीनों पहले हमारे कस्बे के बच्चे, जो मेधावी बच्चे थे, जिन्होंने MBBS में परीक्षा दी, पास किया, कुछ लोग टीचर बने, उन्हीं की तरह मैं एक छोटी सी चीज का आगाज करना चाहता हूँ कि जो बच्चा हाई स्कूल में टॉप आएगा कस्बा तंबौर में, किसी भी स्कूल का हो, वो तंबौर के बात में कर रहा हूँ, तंबौर के स्कूल की, जो भी बच्चा टॉप आएगा उसको एक दिन का चेयरमैन प्रतिनिधि बनाया जाएगा। ये पहल मेरी तरफ से है। और ये पहल इसलिए है क्योंकि जब अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में कोई अफसर बनता है, कोई बड़े नाम पे पहुंचता है, तो बहुत खुशी की बात होती है। और मेरी एक दिली तमन्ना है कि यहाँ के बच्चे पूरी मेहनत से तैयारी करें और यहाँ से कुछ बन के जाएं। मेरी ये भी तमन्ना है कि आप IAS बने, PCS बने, जज बने। और जब आप सोचिए, जब एक बहुत बड़े अधिकारी, आला दर्जे के अधिकारी बनकर निकलेंगे यहाँ से, आपके पीछे आपके लोगों का, आपके पीछे आपके कर्मचारियों का, जब एक काफिला गाड़ियों से यो यो करता हुआ निकलेगा तो कितने सम्मान की बात होगी। आपके माता पिता का, आपके जो टीचर हैं, आपके गुरु हैं, उनका सर फख्र से कितना ऊंचा होगा। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिए और एक लक्ष्य बनाकर चलिए कि हमको आगे कुछ बनना है, आगे कुछ करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में पढ़ाई से बहुत मोहब्बत करता था। मैं जज बनना चाहता था।
आप उसको चाहे कुछ फिल्मी समझ लीजिए या समाज में हो रहे उत्पीड़न को देखकर मेरे बचपन में ख्याल आया तो मैं जज बनना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मेरा पढ़ाई से नाता टूट गया, नहीं पढ़ पाया, राजनीति में ऊपर वाले ने भेज दिया। और उसका भी एक कारण है, मेरे मरहूम हाजी लट्टन नाना ने मुझे समझाया था कि जब तुमको कुछ बनना ही है तो अपने बाप की तरह बनो, जज क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं लोगों के साथ न्याय प्रस्त बनना चाहता हूँ, उनके साथ अच्छा पेश आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपने पिता की राह पे चलिए, अपने वालिद की राह पे चलिए। तो हमने पूछा उनसे ऐसा क्यों? कहा जज के पास जाने में पब्लिक को टाइम लगता है, अगर खुदा ना करता आप हो गए तो जाने में टाइम लगता है, लेकिन इंसान को मौके पे मदद जल्दी चाहिए। तो उन्होंने समझाया और मैं 14 साल की उम्र से मैंने अस्पताल थाने ये सब लोगों की मदद में मैंने जाना शुरू कर दिया था। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़िए और हाई स्कूल में जो बच्चा पूरे कस्बे में सबसे टॉप आएगा मैं उसको एक दिन का चेयरमैन प्रतिनिधि बनाऊंगा, उसके पीछे चलूंगा और उसके हिसाब से पूरे कस्बे में काम होगा, वो अपने हिसाब से वो काम देखेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी करिए। और मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए दो बातें और बताऊंगा कि जो भी आप अपनी तैयारी करते हैं मेहनत से करिए। एक 12th फेल मूवी निकली है, उस मूवी को देखना आप लोग के लिए अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। उसमें एक सीन है कि जब कोई बिना तैयारी के कहीं पहुंच जाता है तो उसको एक साल का भी नुकसान हो सकता है, 2 साल का भी नुकसान हो सकता है। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि टूरिज्म ऑफ इंडिया पे लिखना है, लेकिन जब उसको मालूम ही नहीं होता तो टेररिज्म ऑफ इंडिया पे लिख के चला आता है, जिससे उसका एक साल बर्बाद हो जाता है। और बहुत भावुक पिक्चर है, इसको आप लोग देखें और इसे सीख ले। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों से कि आप लोग अपनी जिंदगी में बेहतरीन चीजें लाइए, अच्छा काम करिए, सच बोलिए और अपने गुरु अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और जो टीचर लोग सिखाते हैं उसको अपनी जिंदगी में लाइए। हमारे यहाँ पे तमाम से टीचर बैठे हैं, हमारे टीचर मास्टर विशाल साहब बैठे हैं, इन्होंने इनकी जो कहानी है दिलचस्प है, इनकी कहानी से भी सीख लेनी चाहिए और इन्होंने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। और मैं आपको बता दूं कि समाज में जो बुराइयां होती हैं, आज ये जो मंच पे बच्चे जो कार्यक्रम के माध्यम से संबोधन करते हैं आपको बताते हैं तो इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में भी आजकल बहुत कुछ कहीं अच्छा होता है तो कहीं बुरा होता है। और मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक बार जंगल में आग लगी और उस जंगल में सारे चिड़िया पक्षी भागने लगे इधर उधर, तो एक छोटी सी चिड़िया जिसने अपनी चोट में पानी भरकर और उस जंगल में आग जहां लगी थी वहां पे अपनी चोट से वो पानी बार बार लाती और डालती, तो एक कौवा उसे हंसकर कहता कि जो है ए चिड़िया, ये तेरे एक बूंद पानी डालने से आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया हंसकर जवाब जानती है, क्या देती है, कहती है मुझे पता है मैं बहुत इसके लिए अहम नहीं हूँ, मेरी वजह से आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब कभी भी ऊपर वाले के यहाँ नाम आएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, ना कि तेरी का मुजरा देखने वालों में आएगा। और हमारे समाज में कुछ ऐसा इंसान है उसी कौवे की तरह है जो लोगों को बरगलाते रहते हैं। मैं उनके लिए भी एक बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी से बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक शिकारी बाजार में तीतर बेचने आता है, 6 तीतर एक पिंजरे में लाता है और 1 तीतर अलग पिंजरे में लाता है। एक कस्टमर आता है इसको खरीदने तो 500 रुपए की जोड़ी अलग बताता है और एक जो दूसरा पिंजरा होता है एक तीतर उसकी कीमत नहीं बताता, कहता नहीं बेचेंगे। तो कस्टमर पूछा ऐसा क्या इसमें खास है भैया, तो वो कहता यही तो वो तीतर है, जब इसको हम जंगल में छोड़ते हैं और ये रोने की आवाज लगाता है
तो इसको देखकर और तीतर इकट्ठा हो जाते हैं और जिसकी वजह से इसी की वजह से मेरा कारोबार चलता है और तीतर पकड़ लेता हूँ। तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे तीतर हैं जिनसे बच के रहना है और उनके रोने धोने में नहीं आ जाते हैं, चंद कुछ वक्त के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं। और मेरी दुआ है कि हमारे कस्बे से हमारे बच्चे कोई पीसीएस आईपीएस कुछ बन के निकले और अपने गुरु माता पिता सबका सम्मान करें। और मैं एक बार अपनी पूरा बात कहता हूँ कि जो भी बच्चा हाई स्कूल में टॉप करेगा पूरे कस्बे में उसको एक दिन का चेयरमैन पद में बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, सभी बच्चे पूरी तरीके से मेहनत करें।